वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, एक बड़े एक्टर ने किया बड़ा खुलासा। खुलासा निशा और करण के बच्चे काविश के भविष्य को लेकर। क्यों कहा है इस एक्टर ने कि इनके बच्चे का भविष्य अंधकार में है? क्या देखा है उसने? चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली के बीच में ऑलरेडी अपने बेटे रियांश को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई चल रही है और सोशल मीडिया पर अक्सर अब ये दोनों पोस्ट डालते रहते हैं। इसीलिए अब खुद करण के सपोर्ट में उतरे हैं अभिनव, और अभिनव ने इन दोनों की अनबन को लेकर कहा है कि इस कपल के बीच क्या हो रहा है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अब निशा को ये समझना होगा कि एक कपल के तौर पर उनके और करण के बीच में लाख समस्याएं हों, एक पिता अपने बेटे को कभी दुख नहीं पहुँचा सकता। अभिनव ने ये भी कहा कि आज के टाइम पर जो लेडीज के लिए लॉ बने हुए हैं उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। उनकी बीवी साउथ अफ्रीका गई काम को लेकर, और उसे उस समय बच्चे की देखरेख पापा को देनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे की देखरेख एक सर्वेंट कर रही है। मैं अपने बच्चे से 365 दिन में सिर्फ 35 दिन ही मिल पाया हूं, और मुझे दुख हो रहा है कि ऐसे पैंडेमिक में जब बच्चों को कोरोना हो रहा है, आप मेरे बच्चे के साथ नहीं हो बल्कि आप तो साउथ अफ्रीका में हो। मुझे पता नहीं है कि मेरा बच्चा किसके साथ सो रहा है, उसके पास कौन है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभिनव की इस बात पर क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।